पवन कुमार चतुर्वेदी, लोग हमें प्यार से बजरंगी बुलाते हैं। हम नहीं बुलाएंगे। हिंदुस्तानी है? जी। पासपोर्ट दिखा? नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। फिर पाकिस्तान में कैसे घुसा आया? तारों के नीचे से आए हम। तारों के नीचे से? हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए। जनाब बिल्कुल मेंटल है ये। तो आज यहाँ हमारे साथ मशहूर कलाकार मनोज बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद, और कुछ चंद बातें जो कि हमारे समाज के बच्चों के युवा पीढ़ी के काम आ सकें वो कुछ बातें उनसे जानना चाहूँगा। बख्शी साहब, आपका ये जो सफ़र है, फिल्मी सफ़र, लगभग कौन से सन में शुरू हुआ सर? सर बहुत पुरानी दास्तान है। जब मैं 12th या 13th में पढ़ता था तो बॉम्बे गया था मैं, तो सिस्टर की मैरिज में वहाँ कुछ फिल्म स्टार्स आए हुए थे, तो मेरे कज़न फिल्में प्रोड्यूस करते थे, वो मुझे ले गए थे SL स्टूडियो। फिर वो देख के सब चकाचौंध हो गया, फिर मैंने आके थिएटर करना शुरू किया। तो मुझे करीब अभी 36 ईयर्स हो गए। 18 ईयर्स मैंने थिएटर किया है यूपी में जी। और उसके बाद 2002 में मैं दिल्ली आ गया था, और बाकी की जर्नी यहाँ दिल्ली की है मेरी। तो 2019 चल रहा है, बीच में एक साल का गैप दिया था बस, बाकी मैं कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ। तो कितनी फिल्मों में अब तक काम कर चुके हैं सर? छोटे बड़े मिला के तो मैंने करीब 100 कर ली होंगी। और लेकिन क्या है कि मैं दिल्ली में चूँकि रहता था और मेरे कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं था, और इसलिए नेचुरल है कि मेहनत करके आगे बढ़ना था धीरे धीरे। तो मैं स्टेज वगैरह करके मैं आगे बढ़ता रहा, और पहले शुरू में छोटे छोटे रोल्स भी एक्सेप्ट किए, तो करते करते धीरे धीरे अभी बड़े रोल्स मिलने स्टार्ट हो गए। अब लोगों को महसूस होने लगा दिल्ली में भी आर्टिस्ट मिल जाते हैं। तो लव लेटर फिल्म में आपका क्या रोल रहेगा बख्शी साहब? इसमें एक जो गिरीश जी का नाम दिया था मैंने, जो वहाँ के विलन है, भोजपुरी इंडस्ट्री के करीब 100 फिल्मों में वो विलन रह चुके हैं, उनके अगेंस्ट में मेरा रोल है। मैं भी एक बाहुबली हूँ, वो भी एक बाहुबली है, और फिल्म में हम दोनों के टक्कर, पहले दोस्त रहते हैं फिर बाद में किसी वजह से टक्कर हो जाती है, तो उनसे टक्कर दिखाई। तो लगभग कितनी परसेंट फिल्म की शूटिंग फरीदाबाद में होने का अनुमान आप लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से 90% ही होगी। तो कोई हरियाणवी फिल्म में भी कुछ इंटरेस्ट रखेंगे, रुचि रखेंगे? नहीं नहीं, मैं करता हूँ। मैं हिंदी फिल्मों में हरियाणवी रोल बहुत सारी में किए, जैसे जलपरी थी वो उनकी थी, माधव पांडा जी की, जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी, और उनसे उससे पहले उन्हें IIM कलाम बनाई थी, जिसको पता नहीं कितने नेशनल अवार्ड्स मिले थे। तो उनकी जो जलपरी फिल्म थी उसमें मैंने हरियाणवी ताऊ का करेक्टर किया है। ऐसे मैं बहुत सी शॉर्ट फिल्मों में कर चुका हूँ हरियाणा का। तो अभी एक उल्लू ऐप के ऊपर मेरी वेब सीरीज आ रही है, उसमें मैं हरियाणवी कमिश्नर बना हूँ, पुलिस कमिश्नर, तो देखने में मजा आएगा। अच्छा, ये जी, आपका फिल्मों में आइडल कौन है? बच्चन साहब क्योंकि वो जो ग्राम, अभी आपने उनके साथ काम किया है या काम करने की इच्छा है? दो बार मैंने काम किया है, वो फिल्म एक फिल्म थी शू बाइट, वो आई नहीं, और एक फिल्म में मैं सिलेक्ट हो गया था चीनी कम में, परेश रावल जी की ग्रुप में अंदर जो वाइट क्लब था बना हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुई, सेट पे जब पहुंचा तो उन्होंने पूरी वाइट ड्रेस पहनाई थी सबको, कुर्ता पजामा वाइट शूज ये वो, तो मेरा पैर है 13 नंबर का पैर है, 13 इंच का पैर, तो वो उनके पास 10 से बड़ा जूता नहीं था, वो पूरा वॉकिंग के सीन थे, उसमें पार्क में चलने फिरने के सीन थे सारे, तो वो मैंने जब जूता ही नहीं आ रहा पैर में चलूँगा कैसे, तो उन्होंने कहा फिर क्या करें यार, तो मैं उदास हो गया। तो वो जो वो था प्रोडक्शन कंट्रोलर EP, वो मुझे कहने लगा यार वापस जाने से अच्छा तू एक काम कर, तू जूनियर का कर लेगा। मैंने कहा बच्चन साहब को देखना है मेरे को, तो कह रहे तू तेरे को जूनियर करा देते हैं, तू सबसे नज़दीक में खड़ा होगा बच्चन साहब। तो मैंने कहा ठीक है, कह रहा पेमेंट तेरे को दे दूंगा मैं, अच्छी बात है दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे खड़ा कर दिया वहाँ पे। और मैं बच्चन साहब को 2.5-3 घंटे तक पूरा मैं वॉच करता रहा कि ये शख्स क्या है, कैसे जैसे वो आने